हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारा जो सुबह भाई है उनका बर्थडे है आज, और हम सब वह देखो उधर तैयारी करने लग गए हैं गाड़ी की, और सबके सब आज जाने वाले हैं एक मस्ती लोकेशन में पार्टी करने के लिए। मतलब ऐसे पार्टी जैसे पिकनिक बनाते हैं ना नदी किनारे जाके, एकदम खाना वाना बना के मस्त से। तो अभी हम आपको सुबह भाई के घर चलते हैं और सुबह भाई दिखाते हैं हम आपको। सुबह भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ, सब पूजा पाठ चल गई है। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं हम अपनी अल्टो का टायर सही करने के लिए, क्योंकि हमारी एक सदाबहार गाड़ी है अल्टो, जिसमें हम बचपन से लेके यार अभी तक घूम नहीं रहे हैं 20 सालों से। तो उस गाड़ी को दिखा देता हूँ, उसका टायर पंचर हो गया, तो सब उसको सही करा रहे हैं और उसमें ही बैठ के जाएंगे सब। और ये चले गए टायर लेके, गाड़ी का पंचर टायर लेके जा रहे हैं सुबह आई। और एक बार आपको अल्टो दिखा देता हूँ अपनी, और ये देख सकते हैं आप शुभम भाई और इसका टायर लेके चले गए, क्योंकि ये पंचर हो गया था। हमने दो बार बनाया, दोनों बार ये पंचर हो गया। अब ये पता नहीं कब तक आते हैं यहाँ पे। देखो, हम टायर लेके यहाँ पे बैठ रखे अल्टो के सामने, टायर निकाल के। और एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं वहीं पर, है ना। तो हम भी पंचर की दुकान में जा रहे हैं, गाड़ी को यहीं पर छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ये है विवेक, हमारा दोस्त, मेरा जूनियर था ये स्कूल में, एक क्लास जूनियर था मेरा। और हम दोनों जा रहे हैं पंचर वाली दुकान में। अंकल, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? ना ना, गरम हो रखा बहुत है। अच्छा, मेरे को लगा अंकल की स्कूटी भी ख़राब हो गई, तो मैंने पूछ लिया। एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे घर के पास में ही है ये स्टॉप, देख लो यहाँ पे मस्त नज़ारा दिखता है यहाँ से। और हम दोनों जा रहे हैं पंचर वाली दुकान में, और ये बन गया हमारा पंचर यहाँ पे। ये गोती बाप बन गए भाई, बॉडी बन गए भाई, बन गए बन गए। बस ये सुदर्शन चक्र लेके कहाँ जा रहा है भाई। और ये हमारा पंचर बनाया है बोले टायर सर्विस भाई ने। तो आप लोग गाड़ी का टायर पंचर होगा तो भाई की दुकान जरूर आना, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं बोले भाई। वो लोग तो चले गए स्कूटी में, अब हम भी जा रहे हैं पैदल पैदल। और हमने टायर बनाया था भोले भाई के यहाँ से, तो आप लोग भी जरूर आना भोले भाई के पास, वो बहुत अच्छी सर्विस देंगे आपको। और वो जा चुके हैं, हम टायर लगाते हैं, फिर थोड़ा सामान सामान लेते हैं, फिर चलते हैं। एकदम मौसम खराब होने लगे यार, अब देखो मौसम खराब होने लग गया, मेरे को लग रहा है कि बारिश वारिश ना आ जाए ऊपर से। वैसे भी हम नदी किनारे जा रहे हैं, बारिश आ गई तो फिर सीन ख़राब हो जाएगा, मतलब बहुत ही गंदा वाला सीन ख़राब हो जाएगा, बह बह ना जाए परसों के जैसे। इधर ये देखो बर्थडे भाई हमारा टायर बदलते हुए यहाँ पे, पहले टायर नहीं चढ़ा उसके बाद लात चक्कर। हमारे बर्थडे बॉय ने कर दिया यहाँ पे गाड़ी का टायर चेंज, इनको सिखा दिया है मैंने गाड़ी का टायर चेंज करना, इनको आता नहीं था तो सिखा दिया है चलाने की। चलानी भी आई गई है इनको अब लगभग लगभग, बस हाथ पैर साफ करने बाकी है। नंबर तो सब निकलते हैं, क्या करना है पहले सामान बाजार से सामग्री। चलो अब चलते हैं घर, और ये जा रहे हैं सामान लेने मार्केट के लिए। मैं मेरा काम था कि बाजार क्या कहते हैं स्पीकर और चावल, बासमती चावल लेने थे घर में से, वो लेते हैं और फिर चलते हैं। पहले मैं घर जा लेता हूँ। आजा जूली जूली जूली, ये हमारी प्यारी ये समझदार जूली यहाँ पे। आजा बस, अरे बस 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 चलो ले इधर आ, इधर इधर ना ना, अंदर 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 बाहर। देखो शुभम भाई सामान खरीद रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये आ गया शुभम भाई यहाँ पे, हाँ सामान पूरा पैक। ना ना नहीं नहीं नहीं, चिकन आपके लिए, कोल्ड ड्रिंक आपके, और आपके लिए। तो अब बच गए हैं दिन के 12:30, और अब जाके हमको टाइम लगा है, इन्होंने तैयारी करने में बहुत देर लगा दी थी। तो अब हम जा रहे हैं एक मस्ती जगह, और शुभम भाई का मेरे को बहुत सारा कॉल आ गया, बहुत बार इन्होंने कॉल करके परेशान कर दिया है। और ये देखो स्पीकर गाने बजाने के लिए, और धूप भी इतनी तेज़ हो रही है यहाँ, क्या बताऊँ मैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और अब हम जा रहे हैं एक मस्ती लोकेशन में,
शुभम भाई ने तो बहुत देर लगा दी सामान खरीदने में, 12:30 बजा दिए और धूप देखो इतनी तेज़ हो गई है यहाँ पे। आप चलते हैं और मेरे पास देखो स्पीकर तो मस्त गाने सुनेंगे वहाँ पे, तब तक हम तैयारी करते हैं, बाकी लोग बाद में आ जाएंगे स्कूटी बाइक में। और ये देखो धूप बहुत तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे। और ये ले आया मैं स्पीकर, यहाँ पे भारी हो गया बहुत ज़्यादा। और ये भाई लोग यहाँ पे खड़े करके सुबह भाई बर्थडे बॉय हमारे, चलो अब तैयारी हो चुकी है। और ये ले आया मैं यहाँ पे सही किया तो मैं जरा अभी सोम भाई के साथ जा रहा हूँ मार्केट थोड़ा सा। अभी हम साहिल को और एक दो लड़कों को लाना भूल गए, मतलब वो आ ही नहीं रहे, अभी भूले तो नहीं, अब उनको बुला के लाते फिर चलते हैं। तो अब तो इन्होंने 1 बजा दिए और अब जा रहे हैं हम, ये हमारी गाड़ी और अब हम बैठ रहे गाड़ी में, चल रहे उधर 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 चलो भाई चले। और ये सुबह भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क करने लग गया है मेरे पीछे, देख सकते हैं आप, बंद कर दिया अनट्रेंड आदमी ने एक और बार, सेकंड अटेम्प्ट बंद, चौथा अटेम्प्ट स्टार्ट करो, ये चौथी बार है देखते हैं गाड़ी बंद, पांचवी बार गाइस ये पांचवी बार, अब पांचवी बार चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है गाइस, चल 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 हैंडल पूरा काट काट घुमा। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमको 1 बज गए हैं पूरे, तो अब हम जाने लग गए हैं नीचे के लिए और ये सब हमारी तैयारी हो चुकी है। अबे ऐसे मत पकड़, धड़ भी तो रहा है अबे, हमारा आदमी यहाँ से छोड़ छोड़ रहे हैं, रहने दे तू रहने दे, तो ऐसे क्यों खींच रहे हो, टूट जाएगा यहाँ दिखने का, तेरे को ढीला रखो, अच्छा ढीला रखा जी रास्ता, हाँ और रास्ता बहुत ही डेंजरस है, यही है क्या, हाँ ये इधर, हाँ यही है, अरे फैंसी देखो कितनी लकड़ा लकड़ा, और ये देखो बड़े बॉय हमारा बुज्जो में जाते हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिकनिक होने वाली है, जो मैंने इनके लिए अरेंजमेंट करी है वो मैंने इसलिए करी है थोड़ा सा घर से दूर भी, जो भाई लोग थोड़ा ओपनली अपनी पार्टी कर सकें, और भाइयों के साथ करने में जो मज़ा है ना पार्टी करने का वो कोई मज़ा नहीं है, भैया जी वो ऐसा है कि पनीर भी बन जाएगा वो भी उसी में डालना क्या, पनीर नहीं, नहीं पनीर अलग निकलेगा, अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है, पहले डुबकी मार लेते हैं उसके और तो साला वो ले गया रिसी, कौन रिसी, रिसी बैग में छोड़ दो, अरे डिग्गी में उसे मंगा दिया तो इतना लिया गया हो क्या, डिग्गी में पनीर भी है, हाँ डिग्गी में पनीर है, ला दियो पनीर, पनीर डिग्गी में, स्कूटी की डिग्गी में, हम पहुंच गए नदी में, अब नदी में एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हैं और वहीं पर ही चूल्हा लगाएंगे और खाना वाना बनाएंगे और नहाएंगे और मस्ती करेंगे। वैसे बर्थडे के दिन तो केक वेक काटने में और ये सब पार्टी करने में वैसे मज़ा नहीं आती, ये सबसे बेस्ट लगता है हमको, अपने लिए खाने वाने की चीज़ें ले आए यहीं पर पकाया और सब भाई लोगों के साथ खाया, तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा मज़ा आती है,
बजाय वो केक काट के और मुंह पे लगाने वाला सिस्टम से अच्छा। हाँ और यहाँ पे भाई लोग बना रहे हैं चूल्हा, तो चूल्हा जलाने के लिए एक पहले बना रहे हैं वहाँ पे, सफाई सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद वहाँ पे चूल्हा बनाएंगे। और देख सकते हो म्यूजिक बजा रहे हैं बहुत कॉपीराइट वाले। और यहाँ पे हमारे अज्जू भाई साहब चूल्हा बना रहे हैं एकदम, ये यहाँ पे चूल्हे की तैयारी करने लग गए हैं पूरा खोद खोद के, उन्होंने अच्छा से चूल्हा बना दिया है यहाँ पे बिल्कुल। और मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे मस्त नदी में, ये देखो यहाँ पे पानी आ रहा है ठंडा ठंडा पानी, इतना ठंडा है मजा आ रही है यहाँ पे देखने। हाँ पैर पानी के अंदर पैर डाल रहे हैं ना तो इतना सुकून मिल रहा है, ठंडा ठंडा इस गर्मी में एकदम मस्त व्यू है यहाँ पे। अब उधर देखो भाई लोग वहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने लग गए हैं, चूल्हा बनाने लग गए हैं, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ मस्त मजे से। और अब हम फिर से जा रहे हैं ऊपर सड़क में, और अभी साहिल भाई हमारे ये जो पीछे से आ रहे हैं ये भाई साहब लार के हैं सेंधा नमक। अब ये मत बोल, मतलब इनको ये नहीं पता कि सब्जी में कौन सा नमक डालते हैं, ये सेंधा नमक लेके आ गए। अब हमको यहाँ से ऊपर सेंधा नमक तो अब हमको वापस जाना पड़ रहा है ऊपर नमक लेने के लिए, और जो इतना सामान छोड़। अब मेरे को और साहिल को इतनी चढ़ाई चढ़ के तीसरा राउंड ऊपर जाना पड़ रहा है स्पेशल नमक के लिए, और जो हम कोल्ड ड्रिंक लाए थे इन्होंने वो भी गाड़ी में छोड़ दी। झूठ बोलता है ये सब ने, झूठा ब्लॉगर नहीं है भाई, सच बोल रहा हूँ भाई। तीसरा राउंड नहीं है ये, देख एक राउंड वो चले गए, ठीक है दो राउंड वो चले गए, एक राउंड हम जा रहे हैं, तीसरा राउंड ऊपर जाना पड़ रहा है। मतलब ऐसी ऐसी जगह से जाना पड़ेगा हमको अब। अब ऊपर जाने में थक लग गई यार, पर क्या करें फिर से जाना पड़ेगा ऊपर। तो अब मैं पहुंच गया हूँ सड़क में, तो बहुत चढ़ाई है यहाँ पे, एकदम चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है ना, एकदम पगडंडी टाइप का, तो ज़्यादा थक लग रही है। और वाहन यहाँ पे तो हमने ले लिया है सामान, और अब जा रहे हैं हम नीचे वापस। एक गलती और कर दी इन्होंने जल्दीबाजी के चक्कर में भाई, पहले तो नमक लाना था, साहिल भाई हमारा सेंधा नमक लेके आ गए, फिर हम ऊपर गए वहाँ से, फिर पता लगा कि ये तेल भी नहीं लाए। अरे भाई बिना तेल के सब्जी कैसे बनेगी इन्हें दिमागदार है हमारे दोस्त। चूल्हा वूल्हा बन गया है, उधर भी प्याज काटने लग गया है, और बाकी सब बैठ रखे हैं उधर, शुभम भाई और मुंडी कटता रहे मुर्गे की। प्याज और टमाटर छिल के रख दिए हैं, टमाटर काट देंगे अभी, प्याज छिल दिए हैं भाई। यहाँ पे ओमेगल चला रहे हैं, आधा घंटा हो गया उनको ओमेगल चलाते चलाते, पता नहीं क्या देख रहे हैं उसमें। I'm losing myself tonight. With your love, I'm losing myself.